चेयरमैन साहब हमारे गवर्नमेंट से आए हुए मेहमान इब्राम हाफिजान व साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रीब्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ दावत दी और मुझे यहाँ प्रोग्राम के देखने का और मौजूद होने का शर्फ मिला। उसके बाद मेरी गुजारिश है कि ये जो इस अनुमान के तहत प्रोग्राम का इनकार किया गया, ये नायक जी जिनका ही नहीं जो नसीब है, ऐसे प्रोग्राम का होना हमारे माशरे में जरूरत है। जैसे कि हम टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, योगा इंटरनेशनल डे वगैरह मनाते रहते हैं, दूसरे स्कूल्स में दूसरे नाम के साथ एक्टिविटीज रखी जाती है, लेकिन ये इंतजाम मुझे नहायत ही अच्छा लगा और आइंदा के लिए भी मैं ये चाहूँगा प्रोग्राम हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होते रहें और ये हम पैगाम आने वाले नस्लों को देते रहें कि बुज़ुर्गों की क्या अहमियत है। यहाँ के बुज़ुर्गों के एहतराम का हुक्म, उनके साथ एहसान का हुक्म, वफादारी का हुक्म, हुस्न सलूक का हुक्म कुरान में है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है, उसको हमें पसे डाला हुआ है। जहाँ हम बुज़ुर्गों के एहतराम को हमारे माशरे में हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, आइंदा भी होने चाहिए। मैं यही तमाम खासकर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोगों को भी कहूँगा कि इसके इस प्रोग्राम का मरकज किया जाए और यह इस तरह का पैगाम माशरे में दिया जाए। दूसरा, यहाँ ये टीचर्स की कावशों का मेहनत का नतीजा है कि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे स्टेज पर आए, किस तरह से इन्होंने प्रोग्राम को तरतीब दिया, प्रेजेंट किया, डिस्प्ले किया, ये नायक दिलकश नहीं है, ये नसीब है। इसके बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूँ हूँ अपने हर बुजुर्गों का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का कि अल्लाह ताला हम सब को सलामत रखे, दूसरी जान और सलामती ईमान से फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।